बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद आप सबको मेरे चैनल पे। तो आज का ब्लॉग बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि सबसे पहले तो यहाँ पे जो है ना कपड़े लटके हुए हैं, और वहाँ पे हमारी जो है ना हैवी बाइक खड़ी है वहाँ पे, ठीक हो गया। और यहाँ पे कवे जो है ना अपने अपने घरों को जा रहे हैं, कह रहे हैं टाटा बाय बाय, मैंने कहा बाय बाय। और सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ वो तो होने वाली है चुन्नू मुन्नू सी, पर होगी थोड़ी सी, पर मैं आपको पहले से ही डिस्क्लेमर दे दूँ, लेस इज़ मोर, ज़्यादा करेंगे तो अच्छा नहीं है, कम करें फिर ज़्यादा भी हो, कम में ज़्यादा भी हो जाता है, ज़्यादा में कम नहीं होता, ठीक होगा। कम करेंगे तो ज़्यादा होगा, ज़्यादा करेंगे तो कम नहीं होगा, तो ठीक है। यहाँ पर मैं नेल पॉलिश लगाई थी इसके साथ जो है ना मैचिंग मैचिंग करने के लिए, पर मैचिंग मैचिंग नहीं हुई, पर कोई बात नहीं, चलो परा और चलते हैं अब अपने व्लॉग की तरफ, और फिर आप मुझे बताएगा। और यहाँ पे पीछे जो है ना अम्मी बातें कर रही हैं अपनी जानों के साथ, और अब हम मिलते हैं आपको। और यहाँ पे ना बहुत सारी जो दजियाँ थी जिसके अंदर हम रोटी फोल्ड करके रखते हैं ताकि गर्म रहें, ठंडी ना हो, तो इसको मैंने धो लिया था। धोने के बाद मैंने इनको सुखा के जो है ना धूप में रखा हुआ था, मैंने कोई नहीं आयन वगैरह किया, और ज़रूरत भी नहीं होती इसको, आपने इस तरह फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद आप कोई सा भी टोकरी लें, टोकरी में आप इसे रख लें, इससे ये होगा जब आपको ज़रूरत पड़ेगी एक एक उठाई और लगा ली। मैंने इसकी ना डबल दो टहें लगाई थी, एक ऊपर और एक उससे नीचे, आप देख भी रहे होंगे, बहुत ज़बरदस्त और बहुत ईजी काम है, ये हो जाए ना तो फिर गिरती नहीं है। और अब मैं जो हूँ इनको सेट कर रही थी और ये हो गया था काम अल्हम्दुलिल्लाह से। उसके बाद गाजरें पड़ी थी, बहुत सारी नहीं थी, थोड़ी बहुत थी पड़ी उनको, वैसे भी उनका सीज़न जा रहा है तो अगर हमें मीठा बनाना हो तो इसे आप बॉयल करके रख लें, और इसको जो है ना इस तरह के किसी भी डब्बे में जो है ना मतलब रख लें, अगर ये नहीं है तो आप शॉपिंग में भी डाल सकते हैं, किसी जिप्लॉक बैग में डाल सकते हैं, पर इतना फैंसी फूंसी होने की ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ अवेलेबल हो उसे को ही यूज़ करना चाहिए। अगर आपके पास ये नहीं है, आपके पास कोई डब्बा है तो आप वो भी रख लें, फ्रीज़र में ही रखना है ना तो अच्छे से रखना है, बस वो ज़रूरी है, ये नहीं ज़रूरी कि किस तरह रखना है। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास एक एयर टाइट कंटेनर पड़ा हुआ था, उसके अंदर मैंने जो है ना ये सारे पतले पतले काट के जो है ना रख लिए थे करेले, कि कभी कभी ज़रूरत पड़ जाते हैं ना जल्दी में तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने ताज़ा काट के ना और धो के, पहले धोएं और उसके बाद काट के आपने इस तरह फ्रीज कर लें तो बहुत फ्रेश रहते हैं। उसके बाद टमाटर भी बहुत महंगे हो जाएंगे रमज़ान में, इसलिए मैंने इनको वॉश करके जो है पहले सुखाया, सुखाने के बाद मैंने इन्हें फ्रीज़र में रख दिया, इसलिए ये जो है ना थोड़े सख्त सख्त, और आपको जो है ना ऊपर से इनकी वो लग रही है आइस आइस आई है, और यहाँ पे जो है मैंने इनको बर्फ़ में मतलब मैंने इनको फ्रीज़ कर दिया था इसलिए ये थोड़े फ्रीज हुए हैं और थोड़ी इनमें बर्फ़ आ गई है। उसके बाद मटर जो है आज कल जो है ना वो 100 रुपये के कहते हैं, 100 के नहीं 150 रुपये के किलो आ रहे हैं, और अभी जो है ये मीठे हैं, उसके बाद ये कड़वे हो जाते हैं, इनका जायका नहीं होता, उसके बाद इनका जायका नहीं रहेगा, इसलिए मैंने इन्हें निकाल के धो के सुखा दिया था। उसके बाद मैं इसके अंदर जो हूँ ना शॉपर में रख दिया था, जैसे कि आप देख रहे हो शॉपर में से मैं निकाल के इस डब्बे में डाल दूँगी, ज़रूरत नहीं है डब्बे में डालें, आप शॉपर में भी डाल के रख सकते हैं। तो इससे ये होता है ना कि आपने जल्दी से निकालना है, निकाल के आपने बना लेना है, और यही रमज़ान मुबारक का जो है ना बहुत बबरकत महीना है, इसके अंदर जो है ना थोड़ी वो कहते हैं ना लेस इज़ मोर, मोर इज़ नॉट लेस, अगर आप ज़्यादा करेंगे तो वो कम नहीं होगा, पर जो कम है वो ज़्यादा हो सकता है, इसलिए मैं अदरक लहसुन नहीं पीसती, और ये जो क्या कहते हैं कि हरी मिर्चें पीस लें, क्योंकि हमारे घर में माशाल्लाह से लगी है अल्हम्दुलिल्लाह से, तो हम वहीं से ही तोड़ते हैं और वही हम यूज़ कर लेते हैं, लहसुन भी लगा हुआ है, अदरक नहीं है, बस वो होती है हमारे पास। और यहाँ पे चटर चीज़ पड़ी थी, और ये चटर चीज़ इतनी ज़बरदस्त है, टोटली रिकमेंडेड है, आप ज़रूर यूज़ किया करें। और ये जो चटर होती है ना ये नमकीन होती है, और मैं तो चटर ही यूज़ करती हूँ, मोज़रेला बहुत कम यूज़ किया जाता है। और यहाँ पर जो टमाटर पड़े हैं, गाजर पड़ी है, चटर चीज़ पड़ी है, करेले पड़े हैं, और जो है ना मटर पड़े हैं, बस मेरी इतनी सी प्रिपरेशन थी रमज़ान की। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद, लाइक शेयर सब्सक्राइब, फिर मिलता है, चलिए अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।